दोस्तों कोई भी टॉप कॉलेज में IIM हो, ISB हो, ISB हैदराबाद, IIM अहमदाबाद हो, IIM बैंगलोर हो, IIT बॉम्बे हो, IIT दिल्ली हो, वहाँ पे प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे होता है? हम सब ने ये सुना तो होता है कि यू नो IIM अहमदाबाद एवरेज सैलरी दिस टाइम वाज यू नो 30 लाख्स पर एनम, एट आई टी बॉम्बे दी एवरेज सैलरी दिस टाइम वॉज 35 लाख्स पर एनम, बट वॉट गोज अराउंड इन दिस प्रोसेस एंड कौन ये प्लेसमेंट्स कराता है, कंपनीज कैसे आती हैं, क्यों कंपनीज IIM अहमदाबाद जाती हैं और समझ लीजिए कोई JN कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कम जाती है वैसी कंपनीज उतने हाई पैकेज पे, और बच्चों को क्या करना होता है उस प्लेसमेंट से पार्टिसिपेट करने के लिए और फिर ऑफ कोर्स अच्छा प्लेसमेंट्स लेने के लिए. कौन कराती है प्लेसमेंट्स, किसके पास पावर होता है बच्चों को शेड्यूल करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, ये सब क्या होता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा. तो दोस्तों द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड स्टार्ट विथ, मैं आपको एक नॉलेज दूँ, एक एक चीज़ बताऊँ कि इंडिया इन माई व्यू इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री यू नो जिसमें कैंपस प्लेसमेंट्स होता है. दैट इज वॉट आई नो. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड और अब्रॉड के MBA कॉलेज में कैंपस में कंपनी नहीं आती. अब्रॉड के MBA कॉलेज में कैंपस में कंपनी नहीं आती. तो ये इंडिया स्पेसिफिक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों कि कंपनी आ रही है और आपको उठा के ले जा रही है, आपको जॉब खोजना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिन्होंने भी जॉब खोजा है खुद या कभी खोजना पड़ा है किसी को, उनको ये बात पता होगा कि सर्चिंग फॉर अ जॉब इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस इन अ कंट्री लाइक इंडिया. इतनी तो आबादी है, हर किसी को अच्छा जॉब करना है, किसी भी 25 साल के लड़के को 20 लाख का जॉब करना है तो कैसे करे, इतने सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने MBAs हैं. तो कैंपस प्लेसमेंट सेव्स अस अ लॉट यू नो फ्रॉम ऑल दिस हरासमेंट. नाउ हाउ डज दिस कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस वर्क, क्या कॉलेज के टीचर्स ये कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस कराते हैं? नहीं, ये दूसरी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए. द फर्स्ट थिंग वॉज दैट इंडिया में ही कैंपस प्लेसमेंट होता है. द सेकेंड थिंग इज इन 95% ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस इन इंडिया, आई थिंक 98% ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस इन इंडिया, IIMs एंड IITs, NITs एज वेल, आई डोंट थिंक कि फैकल्टी प्लेसमेंट्स कराता है. फैकल्टी कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होता प्लेसमेंट प्रोसेस में, फैकल्टी का एक हेड बस ओवरसी करेगा कि प्लेसमेंट्स एथिकली हो रहा है. तो कौन कराता है प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट्स कराता है स्टूडेंट्स, आप ही लोग. आप अगर जाओगे IIM अहमदाबाद तो आप ही अपने पीयर ग्रुप का प्लेसमेंट्स कराओगे दोस्तों. जी हाँ जी हाँ जी हाँ. आप IIM अहमदाबाद गए, अब आप ही में से कोई, 450 लोग IIM अहमदाबाद गए, मान लीजिए 500 लोग IIT बॉम्बे गए, तो उन्हीं में से कोई 20-25 लोग बाकी के 425 लोगों का प्लेसमेंट्स कराएगा. ये दूसरी बात है जो आपको जानना है. तो अब ये दो बात आप समझ गए तो अब आप ये पूरा इजीली समझ लोगे ये प्रोसेस कैसे होता है. तो दोस्तों कोई भी कॉलेज का मेरे ख्याल से आज के रेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्लेसमेंट्स कराना, बिकॉज इसी के बेसिस में कॉलेजेस को जज किया जाता है, IIMITs को तो खासकर. तो दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी. प्लेसमेंट कमेटी इज अ गॉड लेवल कमेटी इन अ बी स्कूल इन IITs. जब कोई जाता है आपके आपके कॉलेज में एडमिशन के बाद, तो MBA में एटलीस्ट IIMs में तो जाते ही प्लेसमेंट कमेटी का सिलेक्शन हो जाता है. आप जाओगे पहले हफ्ते के बाद ही प्लेसमेंट कमेटी का सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत ही रिगरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा. मतलब सिलेक्शन के लिए ही एक हफ्ता पहले सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. 3-4 दिन तक आपको रात के 9 बजे काम दिया जाएगा और रात के 2 बजे बोलेगा कि काम खत्म करो. समझ लो, आप रात के 9 बजे आपके पास मेल आएगा कि ये काम है, ये फर्स्ट राउंड है, और रात के 2 बजे तक आपको काम खत्म करके देना है. ये पढ़ाई का काम नहीं है, ये पढ़ाई का काम नहीं है. पढ़ाई आपको अलग करना है, ये उसके अलावा काम है. ऐसा 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हो सकता है इंटरव्यूज होंगे, 5-6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे, स्ट्रेस इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद हो सकता है आपको SOP डालना पड़े बच्चों के पास, फिर जाके आपका सिलेक्शन होता है. SOP मतलब आप अपना एक बच्चों के सामने एक स्पीच दो कि मुझे क्यों प्लेसमेंट कमेटी में सिलेक्शन चाहिए, ये दो. कहीं कहीं पे इलेक्शन भी होता है इस प्रोसेस के ऊपर. तो इट इज़ वेरी 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 यू नो
ग्रुएलसम प्रोसेस, बहुत ही ग्रुएलिंग प्रोसेस होता है प्लेसमेंट कमेटी में जाना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कमेटी, आप समझ ही रहे हो। जब जो बच्चे फिर इस प्रोसेस के बाद प्लेसमेंट कमेटी में चल जाएंगे, उन्हें फिर 2 साल तक एमबीए कॉलेज में, तो 2 साल तक रोज 2-3 घंटे काम करना पड़ता है पढ़ाई के अलावा। ये पढ़ाई का काम नहीं है, बी स्कूल में पढ़ाई तो ऑलरेडी मतलब केस स्टडीज और क्या क्या होता है उसके लिए लोग बोलते टाइम नहीं है, आपको उसके अलावा 2 घंटे प्लेसमेंट कमेटी में देना है, देना है, एक्चुअली देना है। मैं था कमेटी में और मैं देता था, आई वॉज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी एट IIM विशाखापट्टनम, एंड एवरी डे रात के 11 बजे से रात के 12 बजे तक हम मीटिंग करते थे। वो बस मीटिंग था, उसके अलावा काम और था, ये तो बस मीटिंग था, उसके अलावा काम और होता था, कॉल्स करने पड़ते थे हमें, रिक्रूटर्स को ईमेल्स डालना पड़ता था, वो उसके बाद की बात है, कब करना है क्या करना है आपको मैनेज करना है, पर आपको काम करना है क्योंकि आपने जिम्मा लिया है अपने बाकी के 40-425 लोगों का प्लेसमेंट कराने का। मैंने जिम्मा लिया था बाकी के 55 लोगों का प्लेसमेंट कराने का, 5 लोग प्लेसमेंट कमेटी में थे, हम 5 लोगों ने बाकी के 55 लोगों का प्लेसमेंट्स का जिम्मा लिया था, और हमारा तो सेकेंड बैच था, फर्स्ट बैच का भी हम प्लेसमेंट करा रहे थे सीनियर्स का, तो इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। आज मेरा यूट्यूब चैनल जो मैं चला पा रहा हूँ उस कॉन्फिडेंस की वजह से काफ़ी चला पा रहा हूँ, बिकॉज यू फील दैट यू कैन डू वॉट पीपल बिलीव यू कैन नॉट डू। सो या आई मीन दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बच्चों के लिए क्या होता है, मतलब जो प्लेसमेंट कमेटी में नहीं गया और प्लेसमेंट कमेटी वाले भी, इसके बाद सबसे पहला काम होता है CV बनाना। तो जब प्लेसमेंट कमेटी चल जाएंगे लोग, तो वो अब लोगों को बोलेंगे बाकी के लोगों को कि आप एक 1-पेजर CV बनाओ, तो प्लेसमेंट कमेटी वाले लोग पूरा उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं, सब चीज़ का प्रूफ है कि नहीं, आपने कोई पॉइंट डाला कि मैंने अपने पिछले कंपनी में 10 करोड़ का फायदा करा है अपने कंपनी को, तो आपको आपके मैनेजर से मेल में अप्रूव कराना होगा। प्लेसमेंट कमेटी का मेंबर चेक करेगा कि आपने अप्रूव कराया है कि नहीं, अप्रूव होगा तो ही वो डालने देगा, तो ये सब काम भी करेगा मेहनत कर करके प्लेसमेंट कमेटी हर बच्चे का। तो समझ लीजिए 450 लोग अगर अहमदाबाद में है, तो 425 लोगों का इतना मेटिकुलसली ये स्क्रूटिनाइज होगा CV और बन के आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्लेसमेंट कमेटी कॉल करेंगे रिक्रूटर्स को, सर आप अहमदाबाद आइए इस साल, आप पिछले 5 साल आए थे, आप आइए। तो अहमदाबाद में तो इजी है, फिर भी इजी है कि कंपनीज आ रही हैं, पर उतना इजी नहीं, क्योंकि आपको उनको फिर बोलना है कि सर पिछली बार 25 लाख दिया था, इस बार 28 लाख दीजिए सर, तो ऐसे करके कंपनी बोलेगी कि नहीं पिछली बार आपने हमें Day 1 दिया था, हमें आप Day 0 दीजिए। तो ये भी होगा, ये सब काम आपको करना है। आप बोलोगे नहीं Day 0 तो ठीक है, Day 1 है, कैसे क्या करना है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही जॉब से भी ज़्यादा मतलब ग्रिलिंग काम होता है ये। मैंने बहुत जॉब्स देखे हैं जहाँ प्लेसमेंट कमेटी से कम काम होता है एक्चुअली, तो ये सब करना है आपको। अब अगर आपका नया कॉलेज है, मान लीजिए IIM विशाखापट्टनम जहाँ मैं था, वहाँ तो कंपनी है ही नहीं, किसको कॉल लगाया है, तो वहाँ पहले ईमेल करना है सबको, कोल्ड ईमेल, फिर वेट करना है, लिंक्डइन में अप्रोच करना है, नंबर मांगना है, फिर कॉल करना है, फिर बोलना है सर हमें 1 मिनट दे दीजिए, सर 1 मिनट दे दीजिए, सर हमें आपको बुलाना है मेरे कॉलेज में, मेरा कॉलेज बहुत बढ़िया है, बैच में मैंने आपको ईमेल कर दिया है, आप प्लीज़ हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट से जाओ। आप समझिए ये काम है, आप पढ़ने गए हो पर आप ये कर रहे हो, बट दिस इज़ फॉर द ग्रेटर गुड, जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट के लिए, आपका भी, आपके बच्चों का भी, मतलब बाकी के लोगों का भी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इन सब के बाद जब कंपनियां अग्री कर लेंगी कि ये 10 कंपनी आ गई हैं, ये 20 लाख दे रही हैं, 16 लाख दे रही हैं, 12 लाख दे रही हैं, तो उनको स्लॉट करना कि अब Day 0 किसको दे, Day 1 किसको दे, Day 2 किसको दे, उनको होटल में रखवाना, कॉलेज वालों से बात करके उनका खाने का व्यवस्था करना, स्टूडेंट्स को बोलना कि इस डेट पे ये इंटरव्यूज हैं और आपको ये पहन के आना है, तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ प्लेसमेंट कमेटी करता है। इसके बाद रिपोर्ट बनाना, प्लेसमेंट रिपोर्ट जो आप पढ़ते हो ना, आप देखते हो अहमदाबाद सैलरी इज 30 लाख, वो रिपोर्ट प्लेसमेंट कमेटी बनाता है, वो मैंने बनाया था IIM विशाखापट्टनम का, मतलब कुछ लोगों के साथ मिलके वो रिपोर्ट प्लेसमेंट कमेटी बनाता है। और फिर मीडिया वालों से बात करना, अगर इनसाइड IIM में आप वो प्लेसमेंट कमेटी प्लेसमेंट रिपोर्ट डाल रहे हो, MBA यूनिवर्स में डाल रहे हो, न्यूज़पेपर में डाल रहे हो, हिंदी में, हिंदू वगैरह में, सब आप मैनेज करते हो। सो दिस इज़ आई जस्ट लव द जॉब, दिस इज द जॉब ऑफ प्लेसमेंट कमेटी, काफ़ी टफ है, और इस तरह से बच्चों का प्लेसमेंट होता है। अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अपना CV अच्छा बनाना होगा, आपको पहले से ही इंश्योर करना होगा कि आपके मैनेजर ये सब पॉइंट्स अप्रूव कर दे, ये सब पॉइंट्स मेरे CV में काम आएगा, फिर आपको क्या करना होगा, आपको फिर इंटरव्यूज अच्छे देने होंगे, बस इतना ही है। और प्लेसमेंट कमेटी वालों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता है जल्दी, क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं ना, तो इतना काम या तो अच्छे लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन भी टफ हो रहा है, और मान लीजिए कि आप उतने अच्छे नहीं भी थे तो आप इतना काम करके अच्छे हो जाते हो, एटलीस्ट सेल्स में तो अच्छे हो जाते हो, क्योंकि सेल्स जॉब है, दिस इज अ प्योर प्ले सेल्स जॉब, तो कोई सेल्स जॉब पाना तो बहुत ईजी हो जाता है,
आप आउट ऑफ कैंपस भी अपना जॉब लगा सकते हो, क्योंकि आपने तो 400 लोगों का जॉब लगाया, तो अपना जॉब लगाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस वजह से प्लेसमेंट कमेटी वालों का अच्छा प्लेसमेंट होता है, इस वजह से प्लेसमेंट कमेटी वालों का अच्छा प्लेसमेंट होता है, इस वजह से नहीं कि उन्होंने चीटिंग कर लिया या कुछ कर लिया। करते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है या एथिकल है या करना चाहिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, स्टे सेफ।